हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज चलो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसके डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे, कैसे उसके मोशन को हम एक्सप्रेस करेंगे, इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट किया, वेक्टर्स कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो अब हम लोग चलो उसी मोमेंटम से हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा बाद में। सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर है इसको एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। देखो मैंने यहां पे लिखा भी है काइनेमेटिक्स वन। तो मोशन बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो मोशन एक्चुअल में आप पढ़ोगे दो पार्ट में। मोशन जब आप पढ़ोगे, है ना, तो मोशन आप पढ़ोगे दो पार्ट में। पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट आएगा डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स में आप मोशन, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, मान लो कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ऐसे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसका एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है, इसके ग्राफ कैसे होंगे, जब ये सब फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में हम समझते हैं, निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसके मोशन का इक्वेशन लिखते हैं, तो वो एक्चुअल में काइनेमेटिक्स का पार्ट है। यानी अब आप बोलोगे इसमें खास क्या है? खास ये है कि आपने यहां पे ये इग्नोर किया कि ये मूव कैसे कर रहा है, ये कैसे मोशन में है। अरे कोई भी पार्टिकल अपने आप तो मोशन में रहेगा नहीं, उसको कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो जो फोर्स इस मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है उस फोर्स को आपने यहां पे इग्नोर किया। अगर मैंने आपको बोला कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे सर ये क्यों मूव कर रहा है, कौन इस पे फोर्स लगा रहा है। आप बस क्या बोलोगे, अच्छा ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर, हाँ इतना टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने टाइम में इसका इतना डिस्प्लेसमेंट है, या एवरेज स्पीड इतना है, एवरेज वेलोसिटी इतना है, या रिलेटिव वेलोसिटी इतना है, ये सब जो टर्म है ये बस आप निकालने में जुट जाओगे बिना मुझसे पूछे कि पार्टिकल मोशन में क्यों आया। लेकिन जब आप डायनेमिक्स पढ़ोगे तो डायनेमिक्स में आप मेरे से पूछोगे कि कोई भी पार्टिकल मोशन में अगर आया है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा होगा, कुछ ना कुछ टॉर्क लगा होगा, किस तरह का मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम मोशन के कॉज के बारे में समझेंगे कि वो मोशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, तो पहले लेक्चर में हम क्या समझेंगे कि मोशन हो रहा है प्रोड्यूसर, है ना, कोई फोर्स कर रहा होगा, उसको इग्नोर करके उसके डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हम निकालेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का भी फर्स्ट पार्ट क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट मींस मोशन इन वन डायमेंशन। काइनेमेटिक्स टू क्या आएगा? मोशन इन टू डायमेंशन। दो ही तो हमें पढ़ना है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन है ही नहीं हमारे में। तो मोशन इन वन डायमेंशन में के लिए हम लोगों ने लिखा है काइनेटिक्स वन, इसके बाद हम लोग जाएंगे मोशन इन टू डायमेंशन, दैट विल बी मोशन इन ए प्लेन, और उसको काइनेटिक्स टू करेंगे। करेक्ट है? तो ये बेसिक जो चैप्टर का एक ओवरव्यू है मैंने आपको दिया। अब चलो इस चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर में लेक्चर का जो हेडिंग है इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है मोशन। देखो सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है मोशन। तो आप मुझे सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बताइए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉडी इन मोशन, है ना, मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप अभी मान लो कि अपने चेयर में बैठ के मोबाइल में लैपटॉप में ये लेक्चर देख रहे हो और मैंने आपसे पूछा आर यू एट रेस्ट और यू इन मोशन, आप अभी रेस्ट में हो या आप अभी मोशन में हो, मुझे ये बताओ। तो आपके सबसे पहला आंसर आपका क्या आता है कि सर हम तो रेस्ट में हैं, हम आराम से बैठ के आपका लेक्चर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम तो रेस्ट में। लेकिन बच्चों आप अगर इसको दूसरे तरीके से सोचो कि आप बैठे हो घर पे,
आप बैठे हो चेयर पे, चेयर घर पे है, घर अर्थ पे है और अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, अर्थ तो मोशन में है और आप अर्थ पे हो, तो आप रेस्ट में कैसे हो सकते हो? यानी यू आर नॉट एट रेस्ट, यू आर इन मोशन। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अगर मान लो ये अर्थ है और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, मान लो ऑर्बिट में, यहां पे ये सन है, ठीक है, और यहां पे आप बैठे हो, यहां पे आप अर्थ पे हो, देन एज यू आर ऑन अर्थ एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, देन यू आर इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन। कभी आप रेस्ट में हो नहीं सकते हो। हो सकते हो क्या? रेस्ट में भी आप हो सकते हो। कैसे रेस्ट में हो सकते हो? मान लो आप चेयर में वहां पे आराम से बैठे हो और आपके बगल में आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, उसको मैंने बी लिखा। अब ए से अगर पूछोगे कि बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो ए क्या जवाब देगा? बी तो रेस्ट में है, मेरे सामने ही तो बैठा हुआ है। अगर आप बी से पूछोगे ए रेस्ट में है या मोशन में है, तो बी बोलेगा ए भी रेस्ट में। लेकिन अर्थ के बाहर है ना, अर्थ और सन के बीच जो एटमॉस्फेयर है, यहां पे मान लो कोई एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस शिप पे कोई स्पेस ट्रेवलर है, वो देख रहा है ए और बी को, है ना। अगर वो ए और बी को देख रहा है तो वो क्या कहेगा? ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मोशन में है और दोनों सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। यानी अगर ए से पूछा बी के बारे में तो बी रेस्ट में था, बी से ए के बारे में पूछा तो रेस्ट में था, लेकिन अगर सी से पूछेंगे ए और बी के बारे में तो वो दोनों मोशन में। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछें, तो अगर कोई आपसे ये पूछे है ना कि ए और कोई पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, तो आंसर देने से पहले आपको ध्यान देना होगा पूछ कौन रहा है, है ना, कौन ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को। दैट मीन्स मोशन के लिए ऑब्जर्वर कहां पे है, उस ऑब्जर्वर ही, वो ऑब्जर्वर ही डिसाइड करेगा कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है ना। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है उस जगह को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोशन पढ़ने से पहले ये फ्रेम जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसका आपको एक आइडिया दिया है और इसको मैं भी एक दो और एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना। लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं और मोशन को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पहले, सबसे पहले हम मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। मोशन क्या था? देखो, कोई भी बॉडी रेस्ट में और मोशन में कब होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे वो देखिए। तो मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखा है। करेक्ट डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजिशन चेंज करता है टाइम के साथ, देन द बॉडी इज इन मोशन। यानी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, अभी आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ोगे, बट अभी आप ये जान लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेस है from where the motion of a body is observed by an observer। जहां पे observer खड़ा होके किसी body के बारे में observe कर रहा है, देख रहा है कि body rest में है या motion में है। तो जहां पे देखने वाला खड़ा है, जहां पे observer खड़ा है, उसको हम, उस point को, उस place को हम क्या बोलते हैं? Frame of reference। अभी आप frame of reference के बारे में इतना ही जानो, अभी आगे बहुत सारी चीजें और इसमें add करेंगे। समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है। मान लो एक बस है जिसमें ए और बी दो दोस्त हैं, वो बैठे हुए हैं, है ना। एक तीसरा है सी, जो इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए आया था, है ना, दोनों को बस में ड्रॉप करके ये सी ऑफ कर रहा है, बाय बाय कर रहा है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ए से पूछो बी के बारे में,
ए से पूछो, अगर मैंने बोला ए से पूछो मतलब ऑब्जर्वर कौन हुआ, ए हुआ ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर ए है और ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ऑब्जर्वर बस में खड़ा है, यानी कौन सा फ्रेम लिया आपने, बस फ्रेम लिया। तो अगर आपने इसको बस फ्रेम से देखा, फ्रॉम बस फ्रेम, फ्रेम कहने मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, शॉर्ट में मैंने फ्रेम लिखा है, फ्रॉम बस फ्रेम, तो ए से अगर पूछेंगे तो क्या कहेगा, बी रेस्ट में है। अपने बारे में पूछोगे तो बोलेगा मैं भी रेस्ट में हूं। या अगर आपने बी से पूछा होता ए के बारे में, बी भी बस में है ना, बी भी कहां बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है। यानी अगर बस फ्रेम से देखो तो ए बी के बारे में या बी ए के बारे में क्या कहेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं, मतलब ए बी रेस्ट में है, करेक्ट है। और अगर सी के बारे में पूछो तो ये क्या कहेंगे कि हम तो बस में आराम से बैठे हैं, सी पीछे जा रहा है, मतलब सी किधर जा रहा है, सी पीछे जा रहा है। आपने फील भी किया होगा बस में जब आराम से बैठते हो आप, या ट्रेन में आराम से बैठते हो तो आपको क्या लगता है, हम आराम से बैठे हैं बाकी जो पूरा सराउंडिंग है वो पीछे जा रहा है, लगता है ना आपको। तो ए और बी से पूछेंगे, कहने का मतलब अगर हम बस फ्रेम से देखें तो ए बी रेस्ट में है और सी पीछे जा रहा है। अगर हम सी से पूछेंगे, सी से पूछेंगे मतलब कौन हुआ ऑब्जर्वर, सी ऑब्जर्वर हुआ, और सी कहां पे है, सी अर्थ पे है यानी या ग्राउंड पे है, यानी अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से अगर देखेंगे तो ये कहेगा ए और बी दोनों मोशन में है, दोनों मोशन में है, किधर जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। और सी अपने बारे में क्या बोलेगा, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, मैं तो सी ऑफ करने के लिए आया था, तो मैं तो रेस्ट में हूं। यानी बस फ्रेम से देखो तो ए भी रेस्ट में है, सी मूव कर रहा है, और अगर ग्राउंड फ्रेम से देखो तो ए भी मोशन में है और सी रेस्ट में। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मोशन को किस फ्रेम से जज किया जाता है ना। फ्रेम से जज करोगे तो आपको एग्जैक्ट मोशन कैसा हो रहा है ये पता चलेगा, है ना। यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन भी पता चलता है जब आप अच्छे से जज करते हो उसको, फ्रेम से जज करते हो। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल उसका और समझाता हूँ, ये आपको समझ में आया। अब देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, है ना, इसी में थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने के लिए। देखो एक डायरेक्शन के बारे में भी आपको समझाता हूँ। मान लो यही बस है, इस बस को मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूं, ऐसे मान लो ये बस है और ये चल रहा है इधर मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, करेक्ट है। और यहां पे एक खड़ा है, एक मान लो एक आदमी ऐसे खड़ा है ना, और ये इधर चलना शुरू करता है विथ 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात आपको, यानी ये जो आदमी है इसको, चलो मैं इसको ए लिखता हूं, ये पीछे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, करेक्ट है, ओके। अब अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखो आप, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मतलब दो ऑब्जर्वर खड़ा करते हैं, एक खड़ा करते हैं बस के ऊपर, एक मान लो बस के ऊपर खड़ा है, इसको बी लिखता हूं मैं, और दूसरा ग्राउंड पे खड़ा है मतलब अर्थ पे खड़ा है, मान लो ये सी, करेक्ट है। अब देखो अगर आप बी से पूछोगे कि ए किधर जा रहा है तो क्या कहेगा, क्योंकि बी बस पे है ना, बस फ्रेम से अगर देखोगे, अगर आप बस फ्रेम से देखोगे तो ए किधर जा रहा है, पीछे आ रहा है, ए हो सकता है थोड़ी देर के बाद बी के पास आके बैठ जाए, हो सकता है कि नहीं, मतलब ए किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। यानी अगर आपने बस फ्रेम से देखा, फ्रॉम बस फ्रेम, बी किधर जा रहा है, बी पीछे आ रहा है, सही है। अगर आपने सी से पूछा, सी कहां पे है बच्चा, सी जो है वो ग्राउंड पे है, तो सी को क्या लगेगा कि चूंकि बस आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, यानी एक सेकंड में बस कितना आगे गया, 10 मीटर, अगर उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब बस एक सेकंड में कितना आगे गया, 10 मीटर।
और ये कितना, इसका कितना स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड पीछे आने का, मतलब ये कितना पीछे आएगा 5 मीटर, तो आगे गए 10 मीटर और पीछे आए 5 मीटर, यानी अभी भी आप 5 मीटर आगे ही गए। समझ में आई बात? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एक सेकंड में कितना आगे जाएगा 10 मीटर, और पीछे कितना आया 5 मीटर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी ये आगे है क्योंकि बस का स्पीड ज्यादा है। इसीलिए सी को क्या लगेगा कि ये किधर जा रहा है, ये किसके बारे में मैंने बोला, सॉरी ए के बारे में बोल रहे हैं, ए पीछे आ रहा है, और ये ग्राउंड फ्रेम से क्या लगेगा, ए किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। फिर से आपको अगर बस फ्रेम से देखो, अगर आप बी से पूछो तो ए पीछे आ रहा है, आके इसके पास बैठ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखो तो चूंकि बस का स्पीड ज्यादा है इसलिए, और इसका स्पीड कम है, तो एक्चुअल में ए आगे ही गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई ट्रेन है, ट्रेन मान लो बहुत फास्ट स्पीड से आगे जा रहा है और आप ट्रेन के अंदर पीछे आ रहे हो, है ना, आगे वाली बोगी से पीछे आ रहे हो, तो ग्राउंड में आप, हो सकता है कि ट्रेन में आप पीछे आ गए, S5 से चल के S1 में आ गए, लेकिन ग्राउंड में आप आगे ही जा रहे हो क्योंकि ट्रेन का स्पीड आपके स्पीड से ज्यादा है। तो यहां पे जब फ्रेम की बात करते हैं तो डायरेक्शन में भी चेंज आता है, रेस्ट में है या मोशन में है ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रेम। आगे जा रहा है पीछे आ रहा है ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रेम डिसाइड करेगा। इसीलिए फ्रेम को समझ के उसके बाद जब आप मोशन को समझोगे तो पूरा क्लैरिटी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, हम अच्छे से इसको डीपली पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लिए आपको जितना जानना था मैंने उसका आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब चलो हम बात करते हैं इस काइनेटिक्स चैप्टर में हम जो पैरामीटर्स निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो पैरामीटर्स हम फाइंड करने वाले हैं काइनेटिक्स में है, उसकी बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने क्लास 9 में थोड़ा पढ़ा है, हम यहाँ पे उसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे और उसको टोटैलिटी में पढ़ेंगे, है ना। डिस्टेंस का बेसिक आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है या डेफिनेशन क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यानी जो पाथ फॉलो करता है पार्टिकल। जब देखो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, एक्चुअल में जब हम मोशन काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना तो हम एक्चुअल में वी आर ए बॉडी, हम लोग क्या है, बॉडी है, लेकिन हम बॉडी के साइज को अगर स्मॉल कर दें तो क्या बन सकता है, एक पार्टिकल बन सकता है ना। तो काइनेटिक्स में अभी जो हम मोशन के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम बॉडी के जगह में क्या अज्यूम करेंगे, पार्टिकल, मतलब स्मॉल साइज्ड बॉडी। ये प्रैक्टिकली हम लोगों को डिनोट नहीं करता है लेकिन मानने के लिए, एजम्पशन के लिए हम लोग मानते हैं कि बॉडी का साइज क्या है, छोटा है, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल पढ़ेंगे। तो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मान लो जिस पाथ में चल रहा है, उस पाथ का जो लेंथ है, जिस जैसे गया हो, जैसे जैसे वो घूमा आप भी वैसे वैसे घूमो, है ना, और उसका लेंथ निकालो। कहने का मतलब अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे गया है, यहां से चल के गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ओके, तो आपको इसका इस पूरे का लेंथ निकालना है, जैसा इसका आर्क है, जैसा भी इसका पाथ है, ये जब पूरा लेंथ आप फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं वो क्या है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, करेक्ट है, ओके। दूसरा आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। वो किधर गया उससे आपको मतलब नहीं है। अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे गया है यहां से ए से बी, है ना, मान लो ये ए से स्टार्ट करके वो बी पे गया और आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो किस पाथ पे गया उससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच आप क्या ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, और इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया इसका जो लेंथ होगा
वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमेशा कोई भी पाथ हो, इसको पाथ से मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, जो पाथ फॉलो किया गया है उससे इंडिपेंडेंट है, ये बस डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। करेक्ट है, ओके। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो डिस्टेंस जब आप फाइंड कर रहे थे तो आप कैसे जो भी डायरेक्शन में घूम रहा था आप भी उसी डायरेक्शन में घूम के लेंथ मेजर कर रहे थे, यानी इसका कोई अपना फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस में जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा वैसे वैसे आपको भी घूम के उसका लेंथ मेजर करना है, क्योंकि इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। इसीलिए कैसा क्वांटिटी है बच्चों, ये है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां पे हमें पाथ से मतलब नहीं था, हमें मतलब था एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से कहां ड्रॉ करना है, इनिशियल से फाइनल। हर कंडीशन में कैसा भी पाथ हो, डायरेक्शन आपको लेंथ जब आप स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करोगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी इसका एक डायरेक्शन फिक्स है। क्या डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल। इसलिए हमेशा इसमें एक एरो रहेगा और वो एरो कैसा होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, है ना। हमेशा देखोगे जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालोगे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर एरो रहेगा, ये ध्यान देना। यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, इट्स डायरेक्शन इज टेकन एज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का हम डायरेक्शन, वैसा हम एरो देते हैं वही डायरेक्शन हम लेते हैं। करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दोनों का देखो एसआई यूनिट सेम होगा, एसआई यूनिट आपने यूनिट चैप्टर पढ़ा है, एसआई यूनिट इसका भी क्या है, इसका भी मीटर है, और इसका ये जब इसका निकालोगे एसआई यूनिट तो ये भी क्या आएगा, मीटर आएगा। दोनों का एसआई यूनिट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या है, और देखो डिस्टेंस ट्रेवल, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर ए मूविंग पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर ए मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होगा, जब वो रेस्ट में है, चल नहीं रहा है, लेकिन अगर वो चल रहा है, किसी मूविंग पार्टिकल का बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का कुछ है ही नहीं, तो आप प्लस माइनस नहीं लिख सकते हो, हमेशा प्लस लेना पड़ेगा आपको। लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट सब कुछ हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, अभी मैं समझाता हूं नेक्स्ट ये पे, आप तब तक इसको नोट कर लो। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी नेगेटिव, और किसी मूविंग पार्टिकल के लिए जीरो भी नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मान लो अगर कोई एक पार्टिकल चलना शुरू करता है, अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट है, अगर ये इनिशियल पॉइंट से आगे गया, मान लो इनिशियल पॉइंट से ये 10 मीटर आगे गया और उसके बाद वापस आ गया और इस पॉइंट पे रुक गया, जहां से वो चला था उसी पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है,
तो आप देखो इस बार इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है। मैंने बस समझाया है कि ये आके यहां जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए जाने वाले को अगर आपने लिखा है प्लस 10 तो वापस आएगा कितना हो जाएगा माइनस 10। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब अगर जिस पोजीशन से वो चला उसी पोजीशन में वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो है कि नहीं। और अगर मान लो वहां से इधर और थोड़ा पीछे आ गया होता, अगर ये यहां पे आ गया होता मान लो माइनस 15, मान लो ये पीछे आने के टाइम में अपने इनिशियल पॉइंट को भी क्रॉस कर गया और कितना दूर गया माइनस 15, तब आप देखो इसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना हो जाएगा 15 में माइनस 15 प्लस 10, मतलब एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस 5 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि अगर आपने इनिशियल पॉइंट से राइट तरफ लिया है पॉजिटिव तो उसके लेफ्ट वाले को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कहने का मतलब पीछे आने के टाइम आप और पीछे चले गए इनिशियल पॉइंट से, और पॉजिटिव कब जब इनिशियल पॉइंट से आप आगे गए हैं, और जीरो कब कि जब आप वापस लौट के घर आ गए है ना, वापस लौट के अपने प्लेस पे फिर से आ गए, आप अपने घर से निकले भाजी खरीदा आपने और आप वापस घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, करेक्ट है। तो इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में मैं यहां पे एक और चीज आपको समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है ना, या चलो यहां पे ये क्या है डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस से ही समझो आप, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। डिस्टेंस या तो इक्वल होगा, इक्वल कब होगा जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलता चला जा रहा है बिना कोई अपना डायरेक्शन चेंज किए। तो अगर आप मान लो एक लाइन में आप आगे बढ़ गए 10 मीटर तो वही आपका डिस्टेंस है और वही आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप मुड़ते हो लेफ्ट राइट पीछे आगे पीछे तो डिस्टेंस बढ़ ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू थोड़ा कम आएगा। मान लो इसी कंडीशन में अब अगर यहां पे देखो, यहां पे आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट का कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर आया पीछे की तरफ, मतलब माइनस आया। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बोलोगे तो डिस्टेंस अभी भी हम ऐड ही करेंगे, आगे गए 10 मीटर पीछे आए 15 मीटर तो डिस्टेंस में कुछ प्लस माइनस नहीं होता, सब प्लस होता है, यानी डिस्टेंस अभी क्या है 25 मीटर। समझ में आई बात? तो डिस्टेंस का वैल्यू या तो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या तो उसके इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। बात समझ में थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल करें जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और कुछ थोड़ा इसको और अच्छे से समझेंगे। एक दो न्यूमेरिकल आप कर लो, फिर उसके बाद कल हम लाइव क्लास में आएंगे और लाइव क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। याद रखो आपको जो लाइव क्लास है उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, है ना। तो लिंक के थ्रू आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कुछ लाइव क्लास अनलिस्टेड होते हैं जो हमारे अपने बच्चों के लिए होते हैं, जो व्हाट्सएप में है सिर्फ उनको उसका लिंक मिलता है, और कुछ पब्लिक होता है जिसको बाकी लोग भी देख सकते हैं। तो आप हमेशा अगर आप ये देख रहे हो लेक्चर तो दो चीज का ध्यान रखो, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करो रखो ताकि लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, और दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको भी जरूर ज्वाइन करो। तो उसको अगर ज्वाइन करोगे तो जो असाइनमेंट डिस्कशन होता है जो बस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उनके लिए होता है वो भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉब्लम जब भी आप डिस्प्लेसमेंट में सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्शन हम कैसे लेंगे। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हालांकि आप लोग सबको मालूम है लेकिन मैं सोचता हूं एक बार रिवाइज करूं। देखो इस तरफ इसको क्या लिखते हो ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये है साउथ, करेक्ट है। तो अगर मान लो आपने कोई डायरेक्शन ऐसा लिया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, अगर ये एंगल बिल्कुल 45 है, एंगल कितना है 45,
तो अगर ये एंगल एग्जैक्ट 45 है तो इसको सिंपल हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट और कुछ नहीं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल कितना है 45 और कुछ नहीं लिखा रहेगा। लेकिन मान लो ये एंगल 45 नहीं है, कुछ एंगल मान लो ये थीटा है। अब बताना पड़ेगा ये एंगल कैसे बनाया आपने। तो ये एंगल आपने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बनाया है तो इसको क्या लिखोगे, इस एंगल को नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मान लो आप ये वाला एंगल ले रहे हो है ना, तो एक तो 45 है तो सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। लेकिन मान लो 45 नहीं है, अब ये एंगल कैसे बना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आया, तो इसको क्या लिखोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एंगल को लिखने का हो सकता है एक ही उस समय दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए मैंने समझाया ये एंगल कौन सा होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये कौन सा होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वैसे ही अगर मान लो आपने इधर का ऐसा कोई डायरेक्शन एक लिया, अब इस डायरेक्शन में देखो अगर ये एंगल 45 है तो सिर्फ आप लिखोगे नॉर्थ वेस्ट और कुछ नहीं। लेकिन मान लो ये 45 नहीं है, थीटा कोई एंगल है, तो वेस्ट से आप नॉर्थ जा रहे हो तो क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो आप नॉर्थ से वेस्ट आ रहे हो, मतलब इस बार क्या लिखोगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बस लिखना आपको सिंपल है बट ये मालूम होना चाहिए, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे ही ये एंगल अगर 45 है तो सीधा सीधा लिखेंगे साउथ वेस्ट, और अगर 45 नहीं आ रहा है तो देखो ये साउथ से आप वेस्ट आए तो यहां पे क्या लिखोगे, वेस्ट ऑफ साउथ। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अब इधर इस तरफ आ रहे हैं मतलब साउथ की तरफ आ रहे हैं तो साउथ ऑफ वेस्ट। वैसे ही यहां पे आ जाओ, ये एंगल अगर 45 है तो साउथ ईस्ट लिखोगे, और 45 नहीं है कोई एंगल थीटा है तो ये आप साउथ से ईस्ट जा रहे हो, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ, और ये क्या होगा साउथ ऑफ ईस्ट। आपको लग रहा हो सर ये बच्चों वाले इसलिए बढ़ा रहे हैं, हमें सबको पता है, लेकिन चलो आपको पता है फिर भी आप कंफ्यूज नहीं करो, इसलिए मैंने एक बार ये बताया। अब देखो एक दो क्वेश्चन मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे करोगे, कैसे आप डिस्टेंस निकालोगे और कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। सिंपल सिंपल कंडीशन लेते हैं। पहले मान लो एक पार्टिकल ईस्ट की तरफ गया 3 मीटर और उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगर ये ईस्ट जा रहा तो लेफ्ट टर्न किधर हुआ, ऊपर हुआ। लेफ्ट टर्न लेके मतलब नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया वो 4 मीटर, और आपसे पूछ रहा है बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने। तो डिस्टेंस आप सिंपल ऐड करते हो, कैसे घुमा हमें मतलब नहीं है, सबका लेंथ को ऐड करेंगे, 3 + 4 क्या आएगा 7 मीटर, करेक्ट है। और अगर आपसे पूछे चलो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताओ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट में चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको क्या क्या बताना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड और आपको इसका डायरेक्शन दोनों चीज बताना है। कैसे बताएंगे मैग्नीट्यूड, पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, करते हैं ना, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस स्ट्रेट लाइन का एरो किधर होगा बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन का इधर इनिशियल से फाइनल की ओर, ये ऐसे एरो होगा, होगा कि नहीं, समझ में आ रही बात। अगर ये ऐसे एरो है तो इसका जो लेंथ होगा, लेंथ कैसे निकालोगे इसको, सबको मालूम है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये क्या हो गया 3² + 4² मतलब कितना हो गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर, करेक्ट है। आप अगर अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका वेक्टर डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए इनिशियल पॉइंट जहां पे है वहां पे एंगल बनाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंगल कहां बनाओगे, जहां पे इनिशियल पॉइंट है ना, और इनिशियल पॉइंट पे देखो एरो कैसा बना, ऐसा एरो बना, ये एरो यहां पे ऐसे दिखाता है, देखो ऐसे ये वाला एरो दिख रहा है, और एंगल किधर बनाया है आपने, ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल है, मतलब एंगल में क्या लिखोगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखोगे एंगल में नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको जो भी पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल टेन थीटा,
तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कितना हो जाएगा 4/3। आपको याद है टेन थीटा इक्वल टू 4/3 कितना होता है, चलो उसमें बाद में आते हैं। और एंगल कैसे बना, टेन थीटा इक्वल टू 4/3 मतलब थीटा क्या हो गया बच्चों, टेन इनवर्स 4/3। और एंगल आपने कैसे बनाया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यहां पे क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मैं बोल रहा हूं, एक पार्टिकल जो है वो ईस्ट की तरफ चलता है मान लो 4 मीटर, ठीक है, और फिर लेफ्ट टर्न लेता है और नॉर्थ की तरफ जाता है 6 मीटर, कितना आता है 6 मीटर। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न देखो जैसे वो जा रहा है वैसे लेफ्ट राइट लो गया है ना, एरो की तरफ राइट लो गया, राइट जा रहा है और फिर कितना गया, फिर वो गया 4 मीटर ऐसा गया। आपको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, जल्दी से बताइए। तो डिस्टेंस तो सिंपल ऐड करते हैं, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, 4 + 6 + 4 10 कितना हो गया बच्चों, 14 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालो है ना, डिस्प्लेसमेंट को तो वेक्टर फॉर्म में लिख लें, आसान हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में ये कितना है, ये प्लस आई है, आपको मालूम है डायरेक्शन के बारे में मालूम है ना, ये आई एक्सिस होता है और ये जे कैप होता है, ये कितना हो गया 4i कैप, ऊपर गया, ऊपर हो गया जे कैप प्लस जे कैप, और फिर से राइट गया मतलब फिर से 4i कैप। यानी एक्चुअल में ये वेक्टर क्या है बच्चों, ये वेक्टर है 8i कैप + 6j कैप। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, वेक्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्या हो जाएगा 8² + 6² मतलब 100 मतलब 10 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सा लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट ये लाइन है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये कितना निकलेगा, दैट इज 10 मीटर। अच्छा आपको एंगल चाहिए है ना, एंगल यहां से एंगल भी निकाल सकते हो, एंगल कैसे निकालते हैं हम, टेन थीटा इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट बाय एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट कितना है 6/8, कितना हो गया बच्चों 3/4। एंगल कैसे बन रहा है, फिर से देखो ये वाला एंगल है ना, यानी एंगल ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आप इसको बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सर इसको एक ट्रायंगल को ऐसे ऐसे थोड़ा बढ़ा देते और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कर देते, ये 4 है और ये 4 है, इसके सामने ये भी क्या हो गया 4 हो गया, ये 6 है तो ये भी हो गया 6, यानी ये पूरा कितना हो जाता, ये पूरा हो जाता 8 और ये 6, तो फिर से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आंसर 10 आता। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, या तो वेक्टर फॉर्म में लिख के करो, मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूँ है ना, क्योंकि ये हमेशा करेक्ट आता है, और या तो आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हो जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है पहले, ठीक है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे और डायरेक्शन भी लिखोगे, डायरेक्शन के लिए टेबल का अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देखो समझो है ना, फिर हम लोग कल लाइव आएंगे और लाइव में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसपे कुछ न्यूमेरिकल, इसपे कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इतना ही सेशन यहाँ पे एंड करते हैं लाइव क्लास, आपने इसको पूरा देखा है ना, समझा, और आप इसको प्रैक्टिस भी करोगे, ओके ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, चलो कल हम लोग फिर लाइव क्लास में।